संसद में विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक बुलाए हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी ये रणनीति तैयार करेंगे कि आखिर कैसे हमें विपक्षी नेताओं को घेरना है, किस मुद्दे पर करारा जवाब देना है और ऐसा क्या कह दे कि विपक्षी नेता चुप होकर बैठ जाएं। ये तमाम रणनीति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार करेंगे। आज संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे और उसके बाद अपने तमाम सांसदों को बताएंगे कि आखिर कैसे हमें विपक्षी नेताओं को करारा जवाब देना है। बीते दिन सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का काम किया। नीट परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला है, इस पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए, कई ऐसी बातें कहीं जिससे एनडीए को जवाब देना मुश्किल हो गया और उसके बाद आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर एनडीए में शामिल तमाम घटक दलों के सांसद आएंगे और उन्हें बताया जाएगा कि आखिर हमें संसद में किस मुद्दे पर बातचीत करनी है, कैसे विपक्ष को घेरना है। बताते चले अब आपको कि कल यानी कि सोमवार को राहुल गांधी ने हिंदू समुदाय पर भी कई ऐसे बयान दिए जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई है, अमित शाह ने आपत्ति जताई है। दरअसल संसद में बोलने के दौरान पूरे हिंदू समुदाय को राहुल गांधी ने हिंसक कह दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत ही खराब है और इसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। कल का दिन बेहद ही ज़्यादा अहम रहा, जहां पर तमाम सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी बातें रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन तमाम लोगों ने अपनी बातें संसद में रखी, जहां पर नीट एक बड़ा मुद्दा रहा। नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर नेता विपक्ष ने कई सारी बातों को रखा, राहुल गांधी की बातों पर एनडीए के नेता ने जवाब भी दिया और इसको लेकर आज एनडीए में शामिल तमाम घटक दलों के सांसदों को बताया जाएगा कि आखिर हमें कैसे विपक्ष के तमाम नेताओं को जवाब देना है, संसद में सरकार के क्या मुद्दे रहेंगे, सरकार किस तरीके से जवाब देगी, एनडीए में शामिल तमाम सांसद किस तरीके से जवाब देंगे, इसकी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार करेंगे। बता दें आपको कि ये 18वीं लोकसभा है, जहां पर एनडीए की नई नवेली सरकार बनने के बाद संसद के सत्र में तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर पहली बार कल अपनी बातें, कल अपने मुद्दे संसद में रखते नजर आए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इन तमाम लोगों ने नेता विपक्ष का करारा जवाब दिया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।